शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया तो पहले ही फंसे थे, लेकिन अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम सामने आया है। असल में दिनेश अरोड़ा से मनीष सिसोदिया को मिलवाने वाला शख्स संजय सिंह ही थे, और संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों से 82 लाख रुपए वसूल कर आम आदमी पार्टी के फंड के लिए मनीष सिसोदिया को दे दिए थे। ईडी की चार्जशीट में इसी वजह से मनीष सिसोदिया के साथ संजय सिंह का भी नाम है। जब सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं पाया गया, तब अरविंद केजरीवाल उछल उछल कर कहने लगे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई मामला है ही नहीं। अब सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी है, लेकिन तब केजरीवाल को नहीं पता था कि ईडी की चार्जशीट भी आएगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि हम जल्द चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं, जो गिरफ्तार आरोपियों से संबंधित होगा। जिसके बाद अब इस मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में आरोपी दिनेश अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने को कहा था। दिनेश अरोड़ा कथित तौर पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भी करीबी रहे हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा शुरुआत के दिनों में संजय सिंह से मिले, जिनके माध्यम से वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए। ये मुलाकात दिनेश अरोड़ा के अपने रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान हुई थी। संजय सिंह के अनुरोध पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और चेक की व्यवस्था की, जिसके बाद दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड के लिए 82 लाख रुपए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपे गए। इतना ही नहीं, ईडी ने ये भी आरोप लगाया संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा के एक मामले को सुलझाया जो आबकारी विभाग के पास लंबित था। ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी संजय सिंह के आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि वो तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता से भी दो बार मिल चुके हैं। शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि वो सब कुछ बताने को तैयार हैं। कोर्ट में अरोड़ा ने कहा कि वो सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं और मामले से जुड़े सारे फैक्ट्स अदालत के सामने रखने को तैयार हैं। अरोड़ा को थोड़े दिन पहले ही जमानत पर रिहा किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरोड़ा ने बताया कि सरकारी गवाह बनने के लिए न तो उन पर किसी तरह का कोई दबाव है और न ही सीबीआई या किसी अन्य ने उन्हें ऐसा करने के लिए धमकाया है। अरोड़ा का नाम दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शुमार है। मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से 2009 से जुड़ा है। 2009 में उन्हें दिल्ली के हौज खास इलाके में अपना पहला कैफे उन्होंने खोला था। उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक वो चीका दिल्ली अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और लारोका एरोसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सीबीआई के मुताबिक दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं और इसके अलावा अरोड़ा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कमेटी मेंबर भी हैं। इतना ही नहीं, जुलाई 2018 में अरोड़ा ने ईस्टमैन कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शुरू की थी। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।